अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डॉक्टर सुंबल्स चैनल। हो गया है नेक्स्ट डे और आज है मेहंदी का दिन। सच तो यहाँ पे इतना बड़ा प्रोग्राम कुछ है नहीं, मेहंदी में यहाँ पे इतना कुछ होता नहीं है। जैसे हमारे मोहद्दा में हल्दी जिस ग्रैंड तरीके से सेलिब्रेट की जाती है, वैसे ही मेहंदी का फंक्शन भी होता है। तो अभी हम जा रहे हैं, मेरे को हो गया लेट क्योंकि मोहित चले गए थे अपने पासपोर्ट का काम करवाने के लिए। उनका कुछ ऑफिशियल पासपोर्ट से रिलेटेड काम था तो उसकी वजह से वो चले गए थे पासपोर्ट ऑफिस। एंड यू ऑल नो कि गवर्नमेंट वर्क में थोड़ा सा टाइम तो जाता है। वैसे तो मैं जा सकती थी किसी को बुला के, बट फिर मैंने सोचा कि मोहित आ जाएंगे तो मैं मोहित के साथ ही जाऊंगी। मैं, मोहित और माहिब जा रहे हैं। मोहित अभी मुझे ड्रॉप करेंगे, वापस आएंगे, फिर ऑफिस का काम करेंगे और शाम में फ्री होके फिर वो आएंगे। और अभी शायद वहाँ पे अम्मी का फोन आया था तो मेहंदी वगैरह लग रही है और अम्मी लोगों ने जो जोड़े कहते हैं हमारे यहाँ पे जो रस्म है कि जो ननिहाल वाले होते हैं नानी के साइड के, वो दुल्हन के लिए और दुल्हन के घर वालों के लिए कपड़े लेके आते हैं। तो अम्मी जो सब लेके आई थी वहाँ पे तो सब हो चुका है। मैं भी जाके देखती हूँ। थोड़ी बहुत मेरा मेहंदी ऐसा लगवाने का इतना मन है नहीं, बट मैं अम्मी लोग बोल रही कि लगवा लो, थोड़ी सी लगवा लो, तो मैं मेहंदी अगर लगवाऊंगी तो चलते हैं वहीं पे, मिलते हैं आप लोगों से। माहिब रेडी हुआ है अपनी नन्नी की लाई हुई ड्रेस में, माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है। ये पॉकेट में कितने पैसे रखा है माहिबू? माहिबू नहीं बताएगा पगो। ये अशरफ भाई है, मेरी बड़ी वाली फूफी के बेटे। हाथ ले, अरे हाथ ले रही हूँ भी आप तो। और हाथों में रच के मेहंदी दसनी है। हम लोगों ने मेहंदी लगवा ली है, मैं फाइनली अभी बैठी हूँ। ये हमारी सोफी भाभी है, जो वाली फूफी है उनकी बहू है, मेरी भाभी है ये, और बस बैठे हम लोग मेहंदी लगवाने के लिए। भाभी की मेहंदी लग चुकी है। मैं भाभी को मैंने मुझे लगता बहुत दिन के बाद देखा, मतलब चेहरे देखे माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है। क्या क्या मुंह क्यों छुपा रही हो? हाँ तुरंत क्या कर रही है, मेहंदी लगा रही खुद से। सबकी मेहंदी लगा जाएगी नहीं बताएंगे ठीक है। मैंने मेरी लग गई है और सूख भी गई है क्योंकि मैंने बहुत जल्दी हटा दी, क्योंकि माहिब बहुत परेशान कर रहा था, क्रैंकी हो रहा था, रो रहा था। और हम लोग ऊपर आ गए हैं रेडी होने के लिए, बस थोड़ा बहुत मुझे टचअप करना है, चेंज करेंगे और फिर मिलते हैं आपसे सब लोग के साथ नीचे। पहले हल्दी लगाना है फिर सामने मानो। चांदनी देखती भाई दूल्हा इधर है क्योंकि आप लोग तो गैस भी परेशान थकान से भरी हुई है। आओ इसमें बैठो एक चेयर। आप इतना लेट आए हो? ऑफिस वर्क
और फिर आज पासपोर्ट ऑफिस माइप को ले ले रही हूँ, आप खा लो, मैंने तो खा लिया है। थैंक यू सो मच, यू आर लुकिंग प्रीटी टुडे माशाल्लाह। थैंक यू सो मच, मेरी गुड्डू स्मार्ट लगती थी आज माशाल्लाह। ग्रीन ग्रीन पे सब कोई देख के ही बोल गए, तो रियल मेहंदी तो यही सेलिब्रेट कर रहा है। चलिए चलो ठीक है, जाओ फिर खा लिया, आप खा लीजिए ठीक है। सिंपल बबली का दुपट्टा सही कर। बोलिए ना 20 मिनट और। चल भी आ। और फाइनली पैकअप हो गया हमारे मेहंदी का और बस हम निकल चुके हैं घर के लिए। मैं पहुंचने वाली हूँ घर, बज रहे हैं रात का शायद 12:30 बज रहा है। पहुंचेंगे अभी घर, चेंज वेंज करेंगे और घर पे भी यू नो जब शादी वादी होती है तो सब फैल जाता है, वहाँ पे जाके थोड़ा अभी सही करूँगी और फिर सुबह उठना है क्योंकि जोहर से पहले, हाँ जोहर के बाद निकाह है और 12:30 बजे यहाँ पे जोहर की अजान हो जाती है, तो हमें टाइम पे सुबह पहुँचना है क्योंकि मैं हमेशा लेट हो जाती हूँ। मिलते हैं आप लोगों से सुबह जब निकलेंगे निकाह के लिए और जैसा होगा आगे व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड आई होप आप लोग को व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं, सो अपना प्यार इसी तरीके से बनाए रखें। थैंक यू सो मच। नया दिन नई शुरुआत, आज है फाइनली निकाह का डे। मॉर्निंग में जोहर के बाद निकाह होना था जैसे कि मैंने लास्ट ब्लॉग में आप लोग को अपडेट दिया था, तो अभी निकाह के लिए चलते हैं। ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है, निकाह के लिए चलेंगे। हम ऐसे सिंपल सा रेडी हुए हैं क्योंकि जो दूल्हे भाई हैं उनका मस्जिद में निकाह होगा और जो याशमिन अप्पी है उनका घर में निकाह हो जाएगा, फिर शाम में जो पार्टी है हमारी उसके लिए हम लोग बाद में रेडी होंगे। तो बस निकलते हैं और पहुंचते हैं, मोहित भी रेडी हो गए हैं माशाल्लाह। चले चलिए अकेले अकेले आप खा चुके हैं, छोड़ छोड़ गए हैं। मुंह में नहीं है ना बेटा, मुंह में नहीं है। देख उसको देख, पैसा ले पहुंच गए थे, नाश्ता वाश्ता हो गया है, ऊपर आई थी मैं मम्मी के साथ थोड़ा सा अपना इयर रिंग्स वगैरह पहनने के लिए और चलते हैं नीचे निकाह के लिए, सब लोग आने वाले हैं तो बैठते हैं। मेरे साथ यहाँ पे बड़े पापा और मोहित के पापा मिल रहे थे निकाह से पहले। मुजफ्फर आलम साहेब के साहेबजादे दानिश आलम और इधर दो गवाह आपके वालिद के वकालत में और शादाब आलम बिन रफीक आलम कादरी खालिद नियाज बिन नियाज अहमद के गवाही में दानिश आलम के निकाह में मैं देने जा रहा हूँ, इजाज़त देती हो? जहाँ जहाँ निशान लगा हुआ है वहाँ वहाँ से खान साहब जी, ये वकील हैं फरीद अहमद खान साहब और शादाब आलम साहब और खालिद नियाज साहब, ये दोनों गवाह हैं आपके निकाह के। मैं कादी की हैसियत से निकाह पढ़ाने आया हूँ। आपके निकाह में मैंने यास्मीन को दिया, आपने कबूल किया? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कबूल किया। दुआ फरमाइए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।
अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है निकाह और हम लोग आके बैठ गए हैं इधर अंदर, क्योंकि माहिब थोड़ा सा रो रहा था तो मैं वहाँ से उसको लेके यहाँ पे आ गई हूँ और हम लोग यहाँ पे बैठे हुए। उसके बाद अभी थोड़ी देर के बाद फिर रेडी होना है शाम के फंक्शन के लिए, बस चलते हैं और तैयार होने के लिए चलते हैं। जुल्फ जो बिखरी है रहने दो, कोई जो कुछ कहे कहने दो, तुम सी ही तुम रहो, तुम खूबसूरत हो। दिल लगी भी तेरे दिल को दिल लगी ना लगे, दिल लगी भी तेरे। हम लोग को नहीं पहनना है, या हमें नहीं पहना है का? और ये शादी में हमारी एक बहुत प्यारी सी सब्सक्राइबर मिली थी जो कि माहिब को लेके गोदी में खिला रही है। शादी होगा मैरिज हॉल में नहीं, अब टेंट नहीं होगा। मैं खा लूँ, आप माइप को ले उसके फिर आप खाइएगा, को ले। दानिश भाई को मैं और भाभी सलाम कराई देने के लिए गए। दानिश बाबुल मोरा बस मोरा अब तुम मत रोने लग, मतलब सब मत चालू कर देना, बस हो गया। मत करो नहीं असल, तुम मत रो, असल चल तुम आगे, तुम लोग रोगे तो और छूटो के जा छोटे
वगैरह सब कुछ हो गई है और बस हम आ गए हैं घर। 3 बज रहा है आई थिंक। चलते हैं फटाफट चेंज करते हैं और उसके बाद चलते हैं, और अभी ज्यादा बात करने का मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा। आई होप यू पीपल अंडरस्टैंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग।